नमस्कार, मैं आकाश पंडित आप सभी का एक बार दोबारा से स्वागत करता हूं अपने इस खास कार्यक्रम मैं भी हूं मैदान में। और इस समय हमारे साथ बारह से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी महिमा भारद्वाज हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। महिमा जी, किस तरह से आपकी तैयारियां चल रही हैं और किस तरह से आपको जनता से प्यार मिल रहा है? तैयारियां सब सही चल रही है, कन्विंसिंग वगैरह सब हो रही है, जनता से बात भी हो रही है और यही है कि भाजपा को जिताए, बाकी आगे विकास करेंगे। अभी तक मेरे पापा ने करा है, अब मुझ पे भरोसा दिखाएं, आगे हम भी करेंगे। आप एक युवा हैं, युवा को मौका मिला है, कैसा लगता है आपको? किस तरह से मतलब जनता आपको एक्सेप्ट कर रही है? एक एक तो यहाँ पे फीमेल सीट है, तो जो यहाँ की लेडीज है वो ज्यादा खुश है कि अब हम अपनी जो प्रॉब्लम्स है ज्यादा उससे रख पाएंगे, क्योंकि पहले पापा थे तो थोड़ा वो झिझकते थे, तो अब वो ज्यादा खुल के रख पाएंगे, तो इस वजह से भी अच्छा लग रहा है कि और बाकी जो युवा हैं वो भी अपनी प्रॉब्लम्स रखेंगे, नई सोच है तो नए उसके सॉल्यूशंस भी आएंगे, नए प्रॉब्लम्स हैं तो नए सॉल्यूशंस भी आएंगे। आप प्रचार के लिए जा रही हैं क्षेत्र के अंदर, कैसा रेस्पॉन्स आपको लोगों को मिल रहा है, किस तरह से लोग आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं? लोग बहुत प्यार से एक्सेप्ट कर रहे हैं, अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। आप इससे पहले जो है पिछले 10 सालों से आपके ही परिवार से पार्षद रहे हैं, क्षेत्र की जनता से भी हमने रुझान जानने की कोशिश करी और उसमें हमें कुछ ऐसा लगा कि क्षेत्र की जनता कहीं ना कहीं आपके परिवार से जो पार्षद रहे हैं उनसे कहीं ना कहीं थोड़ा नाराज थी, खासा नाराज उनको दिखा। क्या आपको लगता है कि आप उससे अलग उनको मना करके आप अच्छे विकास की तरफ लेकर जाएंगे? अभी तक जितना जनता से बात की है मुझे ऐसा नहीं लगा कि जनता मेरे पापा से नाराज है, बाकी मुझे नहीं लगता कि जनता नाराज है, बाकी देखेंगे, अगर नाराज होगी तो उन्हें मनाएंगे अच्छी तरह से और आगे कार्य करेंगे, जो भी नाराजगी है वो दूर करेंगे। ऐसे कौन से मुद्दे आप मानती हैं जो कि पिछले 10 साल में आपके फादर पूरे नहीं कर पाए और अब आपको वो मुद्दे पूरे करने हैं और आपको लगता है उन मुद्दों से जो है क्षेत्र का और अच्छे से विकास हो सकता है? मुद्दे ऐसे तो ज्यादा वो नहीं है, ये लाइंस का था, ये भी हो गया है, अब इसकी भी एनओसी शायद नेक्स्ट वीक तक आ जाएगी, बाकी थोड़ी गंदगी की ज्यादा प्रॉब्लम है यहाँ पे, तो जब यहाँ पे वो बन जाएगा पुल वगैरह तो गंदगी जल्दी यहाँ से मतलब होगी, रोटेटिंग डस्टबिन भी लगेंगे, तो जो बीच में रास्ता रेलवे ट्रैक्स की वजह से जो रास्ते की प्रॉब्लम है वो शॉर्ट हो जाएगी। अच्छा, कभी सोचा था आपने कि राजनीति में आपको ऐसा आने का मौका मिलेगा? नहीं नहीं, कभी भी कोई ख्याल आया उस चीज का? सडनली। अच्छा, अब आपको कैसा लग रहा है आपके फादर के बाद में अब आपका नंबर इसमें लग चुका है, तो कैसे आप महसूस करते हैं कि क्षेत्र की जनता के बीच में अब आप जा रहे हैं कि मतलब पहले एक बच्ची के रूप में जा रहे थे, अब एक नेता के रूप में जा रहे हैं, कैसा रेस्पॉन्स? बच्ची के रूप में ही जा रही हूँ। आप बच्ची के रूप में जा रहे हैं? हाँ, अभी भी बच्चे के रूप में ही जा रही हूँ। ये थे वार्ड 12 से भाजपा प्रत्याशी और इनसे अभी हमने पूरी तरह से बातचीत करी है, मगर कहीं ना कहीं इनके अंदर भी ये है कि पहले ये प्रत्याशी हैं, फिर उसके बाद में बेटी बन करके जाएंगी और जिस तरह से भी जो भी है, खैर आगे देखना होगा कि 29 तारीख को बाढ़ की जनता जो है वो इन्हें किस तरह से एक्सेप्ट करती है, किस तरह से वोटिंग होगी, और आगे भी हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम मैं भी हूँ मैदान में।